हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए यूट्यूब की वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या है। लोग दोस्तों बहुत सारे गलतियाँ करते हैं कि डायरेक्ट यूट्यूब खोलते हैं और डायरेक्ट प्लस के ऊपर क्लिक करते हैं और डायरेक्ट उसको वीडियो को क्लिक करके डायरेक्ट अपलोड कर देते हैं। बाद में दोस्तों क्या होता है कि वीडियो ऑटोमेटिक वहाँ से पब्लिश हो जाती है और बाद में क्या करते हैं उसको दोबारा वाइट स्टूडियो में जाकर एडिटिंग करते हैं और बाद में वो वीडियो पूरी तरह फ्लॉप हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि YouTube पर वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सनी कुमार गुप्ता विदाउट सनी, क्योंकि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं टेक सनी। अभी तक दोस्तों इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पर फॉलो नहीं किए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएगा, जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। ज़्यादा इमरजेंसी दोस्तों आप लोग को कोई सवाल पूछना है तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको अच्छी तरह से जानकारी दी जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, चलते हैं सीधे अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, वहाँ पे आपको वीडियो अपलोड करके भी दिखाऊंगा और वो अपलोड करने का सही तरीका वो भी आज की इस वीडियो में आप लोग को बताना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, चलते हैं सीधे अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। तो दोस्तों यहाँ पे साइड में देख सकते हैं मोबाइल का स्क्रीन ओपन हो चुका है और यहाँ पे आप लोग को बताऊंगा वीडियो अपलोड करके। तो जैसे दोस्तों ध्यान से देखिएगा, वीडियो मेरा जो कि स्क्रीन पर चालू हो चुकी है और यहाँ पे आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग YouTube पे वीडियो कैसे अपलोड करेंगे। पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ जो कि सही तरीका क्या है 2022 का, बहुत लोग क्या गलतियाँ करते हैं तो शुरू में बता दिया और लास्ट में भी बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों यहाँ से ओपन करेंगे अपना यूट्यूब जो कि मेरा ओपन हो चुका है। यहाँ पे प्लस के ऊपर मैं जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे अपलोड ए वीडियो का ऑप्शन यहाँ पे खुल गया। जैसे दोस्तों अपलोड ए वीडियो के ऊपर मैं जाऊँगा, याद रखिएगा मैं यहाँ से कोई भी एक वीडियो को मैं यहाँ से ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे कोई भी एक वीडियो मैं उठा ले रहा हूँ जो कि छोटा वीडियो लूंगा, ठीक है। चलिए ये वाला मैं वीडियो ले लिया और यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया। वीडियो लेने पर दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखने को मिले आप लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे कुछ करेंगे नहीं और डायरेक्ट नेक्स्ट करके इसको पब्लिश कर देंगे। जब गलती यहाँ पे हो जाती है कि ना थंबनेल लगा पाते हैं, ना टाइटल लगा पाते हैं, ना डिस्क्रिप्शन लगा पाते हैं, लेकिन आपको ऐसी गलतियाँ करना नहीं है। सबसे पहले आप लोग को मैं पहला पॉइंट बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन को ऊपर आना है और जो भी टाइटल टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन जो भी आप लोग लिख के साइड में नोटपैड पर रख लीजिए। आपको नोटपैड में रखने के बाद दोस्तों यहाँ पे उसको कॉपी करके यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसको लिखना कैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों। जो ये वाला हाइलाइट कर रहा हूँ ये मेरा टाइटल है, माई फर्स्ट ब्लॉग इन दुबई, जो कि ये मेरा टाइटल है। मैं अपने टाइटल में यूज करूँगा तो यहाँ से कॉपी कर लिया। एक बार दिस वीडियो जो कि यहाँ पे इसके बारे में बताऊँगा कि मैं इस वीडियो में क्या बताया हूँ और कहाँ पे ट्रैवलिंग कर रहा हूँ वो भी इस वीडियो में आप लोग जान जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते कुछ कीवर्ड डाला हूँ जो कि हैशटैग लगा के यहाँ पे 7 से 8 हैशटैग लगाए और यहाँ पे दोस्तों मैं कीवर्ड कुछ यहाँ पे डाला हूँ। बाकी यहाँ पे जो भी यहाँ पे देख सकते हैं आपको देखने को मिल जाए दुबई ब्लॉग्स, दुबई मोर, यहाँ पे जो भी वीडियो है, मान लीजिए दुबई ये मेरा ब्लॉगिंग का चैनल, तो यहाँ पे मान लीजिए ट्रैवलिंग के बारे में बताया, तो यहाँ पे टाइटल यहाँ पे लिखा है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख लिया। टाइटल जो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर ही लिखा जो कि फर्स्ट टाइम लिखा था, वही दोस्तों मैं कॉपी कर लिया टाइटल को और यहाँ पे मैं उसको मैं पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने को दोस्तों यहाँ पे लिख दूंगा 2022, ठीक, यहाँ पे 2022 लिख दिया। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं इसको जो विजिबिलिटी है इसके ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं, यहाँ पे पब्लिक, अनलिस्टेड, प्राइवेट का ऑप्शन है और नीचे यहाँ पे शेड्यूल का ऑप्शन है। यहाँ से शेड्यूल भी अपने वीडियो कर सकते हैं कि आज नहीं कल इस वीडियो को अपलोड करना है, ठीक है, यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे शेड्यूल नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे जब भी वीडियो को अपलोड कीजिए तो यहाँ पे ध्यान रखिए अनलिस्टेड जो कि मेरा पर्स है इस पर क्लिक है, यहीं पर रहना चाहिए, बाद में आपको वीडियो को अपलोड करना है। अभी यहाँ पर दोस्तों अनलिस्टेड के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर लिखा है एनीवन विथ द लिंक कैन व्यू, मतलब आप जो भी वीडियो को अपलोड करेंगे तो आप एक वीडियो का लिंक बन जाएगा, आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं वीडियो पब्लिश होने से पहले। यहाँ से जा सकते हैं लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और सनी के ब्लॉग पे डाल के यहाँ पे मैं क्लिक किया और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं एक लोकेशन कार्ड दिया है, इस पर क्लिक करके आप जहाँ से वीडियो अपलोड करते हैं वहाँ का लोकेशन आ जाएगा और यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं इस दिस वीडियो मेड फॉर किड्स, ये पूछ रहा है दोस्तों कि जो वीडियो आप अपलोड कर रहे हैं या बच्चे के लिए या दोस्तों मतलब बड़े लोगों के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो बड़े के लिए दोस्तों, तो यहाँ पे नीचे में आपको देखने को मिल जाएगा नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स, इसके ऊपर आप लोग को क्लिक करना है और दोस्तों यहाँ पे अपलोड वीडियो के ऊपर क्लिक कर देना। देखते हैं दोस्तों कि मेरा वीडियो यहाँ से अपलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, देख सकते हैं। अब जैसे दोस्तों यहाँ वीडियो 22 MB की जो वीडियो है यहाँ पे अपलोड होने चालू हो चुकी है। अब यहाँ पे दोस्तों इसमें लगाना बाकी क्या है, थंबनेल, बाकी आपको इसको पब्लिश करना है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों मेरा वीडियो अपलोड हो चुकी है, मैं आता हूँ बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ से आते हैं, यहाँ से क्लिक करके वाइट स्टूडियो के अंदर, जो कि आपको हर एक यूट्यूबर के पास जो एप्लीकेशन होगी
इसके अंदर जैसे दोस्तों आएंगे तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि जो मैं वीडियो अपलोड किया, यहाँ पे सबसे पहले जो 23 सेकंड पहले दिखा रहा है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, और मैं यहाँ पे जो कि पेंसिल के ऊपर नीचे क्लिक करूँगा, दोबारा पेंसिल के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर लिख रहा है कस्टम थंबनेल, जो कि लगाने के लिए बोला है, इसके ऊपर आप लोग को क्लिक करना है। ठीक है, जैसे दोस्तों मैं क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे थंबनेल यहाँ पे देखने को मिल जा रही है। तो मैं मान लीजिए कि कोई भी एक थंबनेल यहाँ से यूज करता हूँ, चलिए मान लीजिए जो पुराना वाला थंबनेल इसको यूज करूँगा और यहाँ पे डन करूँगा। डन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे फिर से अनलिस्टेड का ऑप्शन देखने को मिल जा रही है, इसके ऊपर क्लिक करना है, पब्लिक के ऊपर यहाँ से क्लिक कर देना और यहाँ से बैक कर देना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पब्लिक नहीं करना है, आप करने के बाद यहाँ पर सेव कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा आपको टैग भी लगाना है। तो यहाँ पर टैग के ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे में एक टैग का ऑप्शन देखने को मिल जा रही है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं माई फर्स्ट ब्लॉग इन दुबई, जो कि मेरा पहला टैग हो चुका है, जो कि यहाँ बन चुका है। और बाकी टैग जो भी आपको मन में आते हैं, जो भी आपको सर्चलेबल टैग चाहिए तो आपको ढूंढना पड़ेगा और यहाँ पर टैग डालते रहिए, और यहाँ पर क्लिक करके यहाँ सेव कर देंगे। जैसे ही सेव करेंगे दोस्तों तो आपका वीडियो पूरी तरह पब्लिश हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग को बताएं कि YouTube वीडियो को अपलोड करने का सही तरीका क्या है। तो अगर इस तरीके से दोस्तों आप वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको वीडियो 100% वायरल होगी और दोस्तों आपकी वीडियो पर व्यू भी आएंगे, क्योंकि दोस्तों आपको डायरेक्ट पब्लिश नहीं करना है, जैसे जैसे आपको वीडियो में बताया वैसे ही आप लोग को करना है। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा, वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मैं तुम्हें करूँगा। दोस्तों क्या आज का वीडियो आप लोग को पसंद है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट डे ने टॉपिक के साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।